नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का, जो मध्य प्रदेश के सीधी से आ रही है। मध्य प्रदेश के सीधी में एक बड़ा हादसा हो गया है। दरअसल यात्रियों से भरी बस नहर में गिर गई। हादसा रीवा सीधी बॉर्डर के पास छुईया घाटी के पास हुआ है। नहर से हालांकि 7 लोगों के शव को निकाल लिया गया है। बता दें, बस में करीब 50 लोग सवार थे, जिसमें बच्चे भी शामिल थे। बाण सागर परियोजना की ये नहर है जिसमें ये बस गिरी है। वहीं मौके पर SDRF की टीम पहुंच गई है और लगातार राहत बचाव का कार्य चल रहा है। घटना सुबह 8 बजे के करीब की बताई जा रही है। वहीं 12 से ज्यादा लोग खुद पानी से बाहर निकल गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाण सागर डैम से नहर का पानी रोकने के आदेश भी दिए हैं, ताकि नहर में पानी कम हो जाए और राहत का काम तेजी से हो सके। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर न्यूज वर्ल्ड इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। मध्य प्रदेश के सीधी में एक बड़ा हादसा हो गया। यात्रियों से भरी बस जो है वो नहर में गिर गई। बस में 50 लोग सवार थे। हालांकि अभी तक 7 लोगों के शव को निकाल लिया गया है, जबकि 12 लोग खुद नहर में पानी में तैरकर बाहर निकल गए। बस में 50 लोग सवार थे, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। बाण सागर परियोजना की ये नहर है जिसमें बस गिरी है। बता दें, लगातार SDRF की टीम मौके पर है और राहत बचाव का कार्य जो है वो लगातार जारी है। घटना सुबह 8 बजे के करीब की बताई जा रही है। 12 से ज्यादा लोग जो हैं वो खुद पानी से बाहर निकल आए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाण सागर डैम से नहर का पानी रोकने के आदेश भी दिए हैं, ताकि नहर में पानी कम हो जाए और राहत का काम जो है वो तेजी से हो सके, और जो बाकी के बचे हुए लोग हैं जो नहीं मिले हैं उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकाल लिया जाए।